तो चैंपियंस ट्रॉफी के डेट फाइनल हो चुके हैं, 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, और इसके साथ एक नई बहस छिड़ गई है कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि भारत को पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए, और जो लोग पाकिस्तान जाने का सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बेसिकली दो चीजें होती है, इंटेंट और कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का जन्म भारत के एनिमिटी में हुआ था, भारत की शत्रुता में हुआ था, और हिंदुओं को सबसे बड़ा शत्रु मानता है पाकिस्तान। और इंटेंट पाकिस्तान की भारत को डैमेज करने की हमेशा से रही है। इसका कोई प्रूफ चाहिए अगर आपको, तो फवाद चौधरी जो अभी हाल में राहुल गांधी के बड़ाई में ट्वीट कर रहे थे, उनके बयान आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान की सरकार ने पुलवामा करवाया जिसमें हमारे 19 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और जिसके रेस्पॉन्स में भारत ने बालाकोट किया था। तो पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवाद का जो इंटेंट है वो काफी क्लियर है। सवाल है बस कैपेबिलिटी की। पाकिस्तान के पास अभी कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति ये नहीं है कि वो किसी भी तरह के आतंकवादी घटना को सपोर्ट कर सकता है आर्थिक तौर पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो मुझे एक्स पर फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात यहीं पर आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे घटना एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को किक स्टार्ट करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है पाकिस्तान के। इसमें इसके कितने सारे ग्राउंड स्टाफ होते हैं, कितने सारे सिटीज में होता है एक देश के, इसके अलावा कितने सारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, मीडिया राइट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज होती है चैंपियंस ट्रॉफी। फॉरेन टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, होटल्स होते हैं, और कितना ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान इसके साथ कलेक्ट कर सकता है। और इस रेवेन्यू का एक सीधा हिस्सा भारत की शत्रुता में जाएगा, आतंकवाद को फंड करने में भारत के खिलाफ जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि भारत में रहते हुए आप सपोर्ट करते हैं कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए, तो इसमें आप सीधे सीधे तौर पे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी घटना को प्रेरित करता है और उसमें से कुछ घटनाएं सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो आपका कितने जगह पर नुकसान है आप समझिए। आपके यहाँ पे सिक्योरिटी की कमी होगी, आपके यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, आपके यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम होगा, आपकी दुनिया में मजाक उड़ाया जाएगा और आपके जान माल का नुकसान होगा, आपके आपके परिजनों के आपके भाइयों की सुरक्षा पर खतरा होगा। ये सब चीजें बस इस चीज से आप अवॉइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से गरीब रखा जाए। दैट इंक्लूड्स गिविंग नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी बिजनेस को सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट को भारत के मंचों पर प्लेटफॉर्म ना दें, पाकिस्तान के किसी भी इवेंट में भारत की तरफ से अपने अपना योगदान नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को नॉर्मल देश की तरह बनाया जा सके। जैसे जैसे पाकिस्तान बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति ठीक होती रहेगी, वैसे वैसे भारत के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। एक गरीब पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान और बर्बाद पाकिस्तान भारत के हित में है। नमस्कार।